नमस्कार, मैं नागेश, फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपका स्टार एपेक्स न्यूज़ में। देश में कोरोना के साथ एक तरफ कोरोना के साथ जंग जारी है, तो उसी दूसरी तरफ लोगों की, गरीबों की, ज़रूरतमंदों की भूख के साथ जंग चालू है। और इस जंग में उनका साथ दे रहे कुछ समाजसेवी संस्था है, कुछ समाज सेवक, कुछ नेता, कुछ पार्टियाँ। तो उनमें से एक है मुजीब भाई पठान, जो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव है। हम उनके तरफ से जानेंगे कि वो अपने तरफ से इस लॉकडाउन में जो ज़रूरतमंद है, जो गरजू है, मतलब जो ज़रूरतमंद है, उनको किस तरह से सहायता कर रहे हैं। आपका स्वागत है पठान जी स्टार एपेक्स न्यूज में। क्या ये लॉकडाउन में जो पूरी स्थिति है, और बुट्टीपुरी MIDC ये रोजगार मतलब इंडस्ट्रीज एरिया है, तो यहाँ की क्या स्थिति है और आप क्या कैसी मदद कर रहे हैं उन लोगों को? हम तो मदद, आप देख रहे हैं कि जो मदद करने के लिए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बाड़ा साहब थोरा साहब, हमारे नेता राहुल जी, हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोनिया जी, और जो अभी ये जो मदद जो केंद्र बना है, केंद्र ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, उसका सेंटर, उसके हेड राजू सातव जी, उनके सब के आदेश के ऊपर में कि भी यहाँ जो ज़रूरतमंद है उनको हमको मदद करना है। और वो मदद के लिए हमारी महिला परिवर्तन संगठना की, कांग्रेस संगठना के लोग, यूथ कांग्रेस के, NUCI के, और सभी संगठना के लोग, कांग्रेस के, ये सभी लोग इस अच्छे उपक्रम में कोशिश कर रहे हैं कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ तक उनके लिए अनाज पहुँचाया जाए। अच्छा, क्या मतलब आप क्या राहत किट में क्या दे रहे हो और किस तरह राहत की किट में? अभी सोशल मीडिया में बताना नहीं चाहिए। हाँ। क्योंकि सोशल, अच्छा कार्य अगर से आप कर रहे हैं तो सोशल मीडिया में नहीं बताना चाहिए कि आप पब्लिसिटी नहीं करनी चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया का एक दूसरा भी रूप है कि अगर से हम लोग कोई अच्छा काम कर रहे हैं, इससे प्रेरित होकर अगर से कोई दूसरा काम करे और वो चार लोगों को उसका और फायदा मिले, तो सोशल मीडिया फिर ठीक है। कि भी सोशल मीडिया के माध्यम एक माध्यम है कि जिससे हम लोगों को प्रेरित, सोशल मीडिया से हम लोग लोगों तक पहुंच सकते हैं। क्या दे रहे हैं आप किट में फिर लोगों को? सोशल मीडिया पे है लेकिन बता दीजिए। सोशल मीडिया पे है इसलिए बताना जरूरी नहीं है, लेकिन हम आटा दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, शक्कर और दाल, यानी एक छोटे परिवार के लिए एक सप्ताह का राशन का एक पूरा परिवार को उसको जो जरूरत की चीज है वो एक सप्ताह का एक छोटे परिवार का अनाज के किट हमने बनाई है। अच्छा, 3 मई तक एक्सटेंड किया गया लॉकडाउन को, और ये लॉकडाउन और बढ़ गया क्योंकि देश की जो स्थिति है और अभी जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें हम कामयाब होंगे, लेकिन लॉकडाउन अगर बढ़ने का काम रहा तो फिर आप आगे भी राहत? एक फेस में हमने अभी 1500 किट बनाई है, तो एक फेस में हमने 1500 किट बनाई है तो वो 1500 परिवार तक हम पहले फेस में पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं कि ये पूरा 1500 किट बनी है अभी और बनना भी शुरू है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए हम पहले फेस में काम कर रहे हैं। अगर ये लॉकडाउन और बढ़ा तो फिर हम कोशिश करेंगे कि भी और इस ज़रूरतमंदों के लिए अनाज व्यवस्था की जाए, इंतजाम किया जाए। आप क्या मैसेज देना चाहते हो इस माध्यम से? मेरे तरफ से, क्योंकि इस उपक्रम में सभी लोगों ने हमको सपोर्ट किया है, जिसमें यूथ कांग्रेस, NUCI, परिवर्तन, महिला कांग्रेस, परिवर्तन का जो महिला परिवर्तन का संगठन है, महिला कांग्रेस है, और बहुत से लोगों ने हमको इसमें सपोर्ट किया है, उनका सबसे पहले तो धन्यवाद कि भी सब लोगों ने इस उपक्रम को अच्छा सपोर्ट करने के लिए उन्होंने किया है। तो मेरे पर्सनल, मेरी अगर से बात करें तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि बुट्टीपुरी ने मुझे नाम दिया, दौलत दी, शोहरत दी, सब कुछ दिया, आज बुट्टीपुरी को कुछ देने की मेरी बारी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को मेरे सहयोग से या मेरे प्रयत्न से, छोटे से प्रयत्न से, कोशिश करने से अगर से किसी को मदद होती तो मैं वो जरूर करूँगा, वो भी लॉकडाउन की पूरी नियम का पालन करके। और साथ में दोस्तों, इससे संबंधित मैं एक सुंदर से एक छोटी सी 2 मिनट की एक स्टोरी है जो इससे संबंधित है कि जंगल में आग लगी थी, और जंगल में जब आग लगती है तो सबको क्या तकलीफ होती है सभी को पता है। जंगल में आग लगी थी, उस जंगल में आग बुझाने के लिए सभी लोग प्रयत्न कर रहे थे,
और प्रयत्न करते करते चिड़िया ने भी अपने चोंच में पानी भरकर वो आग को बुझाने के लिए उसने भी कोशिश शुरू की। जैसी कोशिश शुरू की उतने में कौवा आया। कौवे ने चिड़िया से कहा, चिड़िया दीदी क्या सच में आपके प्रयत्न से आग बुझ पाएंगे? हम लोग कर रहे हैं, आप रुक जाओ। लेकिन चिड़िया ने कहा, नहीं, मुझे पता है कि मेरे इस छोटे से कोशिश से आग बुझ नहीं पाएंगी, लेकिन जब भी इसका इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास में मेरा भी नाम दर्ज होगा। तो दोस्तों, ये करुणा की आग भी पूरे देश में लगी है। तो आपके एक छोटी से कोशिश से किसी परिवार का अगर से हम दो टाइम का अनाज दे सकते हैं तो आपने ज़रूर कोशिश करना चाहिए। भगवान ने अगर आपको कुछ दिया है, आप सक्षम है, तो इस बुरे समय में, इस देश के इस हालत में हमने ज़रूरतमंद को दिल खोल के मदद करना चाहिए। बस यही संदेश देना चाहता हूँ और सबसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि हमारे परे से जो भी हो सकता है आप भी मदद करें, यही बोलना चाहता हूँ। और उम्मीद करूँगा कि सभी लोग अपने घर पर रहे, सुरक्षित रहे। जो लोग काम कर रहे हैं, बुटीबुरी में सभी NGO काम कर रहा है, इस परिसर में कर रहा है, सभी के लिए बहुत बहुत हमारे तरफ से धन्यवाद कि सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि बुटीबुरी में कोई भी बुटीबुरी परिसर में भूखा नहीं होगा और जहां पर जिसको जो मदद होती है वो मदद करे। आपको हमारे स्टार अपर्स की तरफ से धन्यवाद कि आप जो रात काम कर रहे हैं, और आपको शुभकामनाएं आगे के काम के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे प्रदेश कांग्रेस के सचिव मुजीब पठान जी, जिन्होंने एक अच्छी सुंदर कहानी हमें बताई, और उस कहानी के माध्यम से उनका एक मैसेज है जो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि अगर सही में हम कुछ कर सकते हैं तो मदद करना चाहिए। किसी की मदद कर सकते हैं, ज़रूरतमंद की अगर मदद कर सकते हैं तो करना चाहिए। और ये जो युद्ध है, जो कोरोना की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इसमें आप भी अपना योगदान दीजिए। मैं स्टार अपेक्स के माध्यम से आपको विनती करता हूँ कि अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो आप ज़रूर उनकी मदद कीजिए, और घर रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।